आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहली खबर विकास नगर से है, जहां पर पहाड़ी गली चौक पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। विकास नगर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विकास नगर क्षेत्र के लिए 259 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान जो परीक्षा शुल्क नहीं दे पाया, एक साल सभी प्रतियोगी परीक्षाएं वो निःशुल्क रहेंगी और आंगनवाड़ी बहनों सहित सभी का मानदेय भी दिया जाएगा। साढ़े 17,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और सब मिलाकर पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 के बीच में 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ उत्तराखंड के लिए हो गया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई है। अभी जैसा मुन्ना भाई लखवाड़ योजना की अभी चर्चा कर रहे थे आप सबके सामने, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा मुन्ना भाई ने कहा कि जो है ये यात्रा उनके ये लखवाड़ का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट उनके जो उनका एजेंडा था उस एजेंडे में से प्रमुख एजेंडे में से था। और मैंने भी जिस दिन 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी अभिरुचि इसमें रही थी शुरू से कि हमारा राज्य जिन क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़ेगा उसमें से नंबर 1 पर ऊर्जा का क्षेत्र भी है। और मैंने जब भी इसकी समीक्षा करी तो हमने देखा कि लखवाड़ योजना की सारी यहाँ से कार्रवाई पूरी हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी से। मैथल में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों का हुजूम पुल 13 से होकर मुख्य बाजार से गुजरा, जहां बता दें कि मंत्री चौफाल ने बाजार में सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि मंत्री का काफिला बाजार से होते हुए बिरमथल पहुंचा था, जहां पर प्रस्तावित कार्यक्रम में मंत्री चौफाल ने अपार जनता के सामने डीडी हाट के ब्लॉक प्रमुख बबीता चौफाल की उपलब्धियों को की सरकार तथा स्वीकृति 54 लाख रुपए की लागत से बन रहे टैक्सी स्टैंड का भी शिलान्यास किया। मंत्री चौपाल ने थल के बिरमथल के पास के गोल गांव के लिए रामगंगा नदी पर झूला पुल स्वीकृति प्रदान करने की भी बात कही। स्टैंड की लंबे समय से मांग थी थल में, थल क्षेत्र, क्योंकि टैक्सी स्टैंड के मोहानी रोड में भी जरूरत है और इधर आपका बिरनाग जाने वाली रोड में भी जरूरत है और डीडी हाट जाने मुंशहरी जाने वाली रोड में। आज का जो हमने यहाँ पर स्वीकृत कराया है डीडी हाट जाने वाली रूट में, जितने मुंशहरी जाने वाली रूट में, उसका हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया, उसका शिलान्यास किया और उससे टैक्सी से बनने के जो बाज़ार में टैक्सियाँ इधर उधर लोगों को रखने में परेशानी होती थी, वो समस्या का समाधान 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हमें जो मोहानी वाली रूट है और जो बिरनाग वाली जनी रोड है उस रोडों का भी हमने DPR बन गया, जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति मिलेगी, जिससे लोगों को जो बाहर से पर्यटक आते हैं और जो बाहर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको गाड़ी रखने के लिए जगह न मिलने के कारण सीधे थल में कोई नहीं रुकता था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से बातचीत का दौर इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि विधानसभा पिरान कलियर के लोगों से चुनाव को लेकर बातचीत की गई। वहीं लोगों का कहना है कि महंगाई ने इस बार सबकी कमर तोड़कर रख दी है, ना तो लोगों के पास रोजगार है और ना ही उचित संसाधन है। लोगों का कहना है कि सभी पार्टियां आज अपना राज कर चुकी हैं, ऐसे में अब उत्तराखंड को नए चेहरे की जरूरत है। आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम है, शादाब भाई के घर की ओपनिंग होगी आज। लोग उन्हें बाहरी प्रत्याशी बता रहे थे, उन्होंने यहाँ अपना एक मकान बनाया, एक कैंप कार्यालय के लिए करीब 4,000 फीट जमीन ली, जिसमें आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए। खबर मिली थी कि भाई वहाँ प्रोग्राम हो रहा है आम आदमी पार्टी का। क्या भाई के यहाँ क्या वाकई अब की बार कौन सी सरकार लाएंगे आप? अब की बार तो आम आदमी पार्टी।
वहीं आपको अगली खबर बता रहे हैं नरेंद्र नगर से, जहां पर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सोमवाल की जिनके स्थानांतरण जनपद में फिलहाल हो चुका है। सेमवाल का स्थानांतरण पर राजकीय माध्यमिक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन सहित चतुर्थ वर्गीय संगठनों ने नरेंद्र नगर स्थित शहीद भगत सिंह नेगी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। कर ले तो जनपद टिहरी पूरे राज्य में अग्रणी है और निश्चित रूप से ये सिंहवाल जी का ही मार्गदर्शन था। और शिक्षकों के बीच में आप एक ऐसे संरक्षक, सर्वप्रिय संरक्षक के रूप में याद किए जाते रहेंगे कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने समय समय पर शिक्षकों को प्रेरित किया, कभी कोई भी शिक्षक इस दौरान उनके कार्यकाल के दौरान हतोत्साहित नहीं हुआ। और जनपद कार्यकारिणी राजकीय शिक्षक संघ टिहरी गढ़वाल के द्वारा जो भी कार्य उनके स्तर के जो कार्य थे वो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लाए गए, उनका समय रहते निस्तारण किया गया और किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न उनके द्वारा नहीं हुई। टिहरी मेरा एक तरह से जिला भी रहा है बहुत पहले 1815 से 1898 तक, इसलिए मेरा लगाव है पैतृक तौर पर। टिहरी के शिक्षकों ने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के वो भी हकदार है, बहुत शानदार उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, विज्ञान में शाला सदी में पर सदी परीक्षा फल के नतीजों में बहुत बेहतर काम किया है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और टिहरी के प्रति मेरा लगाव और वहाँ के लोगों के प्रति जो सम्मान है उसी का नतीजा है कि लोग आज इस तरह से मेरे प्रति भावना व्यक्त कर रहे हैं। हम ये भी बता दें कि टिहरी जनपद इंस्पायर्ड प्रतियोगिता से लेकर के शिक्षा पर चर्चा और जो विद्यालय का रिजल्ट रहता है प्रतिवर्ष उसमें सर्वोपरि रहा है। इतना ही नहीं, इंस्पायर्ड प्रतियोगिता की बात करें तो इंस्पायर्ड प्रतियोगिता में जनपद टिहरी गढ़वाल देश में दूसरे स्थान पर और प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये इसका श्रेय तमाम शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों ने शिव प्रसाद सेमवाल को दिया है। उनके स्थानांतरण पर उनका शानदार ये विदाई समारोह एक यादगार बन करके रह गया। तो निश्चित तौर पर यह बताता है इस बात को कि जो अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ उनको मार्गदर्शन बेहतर करते हुए काम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है और उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे अधिकारी के लिए उसका विदाई समारोह यादगार साबित हो जाता है। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। वहीं ऋषिकेश में नए साल के मौके पर बाजार की सफाई पर व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जिसको नगर निगम के महापौर अनिता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी की मशीन है जिसमें वैक्यूम झाड़ू पर पैचे और अत्याधुनिक तरीके से खुद ही सड़कों पर वो चलती है और सफाई करती है, जिससे कम समय में और कर्मचारियों के बेहतर सफाई जो है वो की जा सकती है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए महापौर ने बताया कि डंपिंग ग्राउंड से लगभग 43% कचरा का लिगेसी टेक्नोलॉजी से निस्तारण कर दिया गया है। दावा किया गया है कि आगामी 2 महीने में शेष कचरे का भी निस्तारण कर डंपिंग ग्राउंड को खाली कर दिया जाएगा। जो हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या 25-30 सालों से बनी हुई जो असंभव सा लगने वाला काम, ये ट्रेचिंग ग्राउंड आप देख रहे होंगे कि आज ट्रेचिंग ग्राउंड पे परेश वार्ता करने का हमारा मकसद ही यही था कि जो कि एक सपना सा लोगों को लगता था, जो हमारा यहाँ पर नेशनल हाईवे है और वहीं तक बाहर कूड़े का पहाड़ लगा रहता था, यहाँ पे बाहर लोग खड़े भी नहीं हो पाते थे, लोगों को लगता था कि ये एक कई सुनी बातें हो गई, कोई इसको हटा नहीं सकता है, इसमें कोई संभव ही नहीं है कि इतने बड़े कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कैसे हो सकता है। मैं बड़े हर्ष के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो शहर की समस्या थी उस समस्या को, जो महत्वपूर्ण बड़ी नासूर बनी हुई थी जो समस्या, उसको अपने हमने अपने घोषणा पत्र बिंदु नंबर एक में रखा और बिंदु नंबर घोषणा पत्र के बिंदु नंबर एक में हमने सभी को ये पूरे घोषणा पत्र को छाप के 18 बिंदुओं को प्रत्येक घरों में, प्रत्येक परिवार में सभी को ये घोषणा पत्र बंटवाया कि इसमें आप देख लें कि हम इस काम। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अखिल भारतीय शैक्षिक विमर्श और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राज्यों के अध्यापकों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपने योग की कला दिखाई। वहीं संजय वत्स कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि देश भर के 22 राज्यों से इस कार्यक्रम में अध्यापक उपस्थित हुए हैं, जिनको गुरु चाणक्य अवार्ड और बेस्ट एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है।
अखिल भारतीय शैक्षिक विमर्श एवं शिक्षक सम्मान समारोह है, जो कि हमारे एक अभियान है राष्ट्रीय स्तर पर उद्घोष शिक्षा का नया समय है, जो कि डॉक्टर यादवेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत चलने वाला एक प्रकल्प है। दरअसल हमने वैश्विक महामारी के दौर में जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने कुछ इनोवेशंस करके अपने विद्यालयों में जो बच्चे थे उनको पढ़ने पढ़ाने जो उनके पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके हैं उनमें कुछ अपना इनोवेशंस इम्प्लीमेंट किया। ऐसे शिक्षकों को हम आज सम्मानित कर रहे हैं, देश भर के 22 राज्यों से यहाँ पर टीचर्स पधारे हैं। रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर कालाडूंगी थाने के समीप कमोला गांव के पास सड़क हादसे में दो भाजपा नेताओं की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में गम का माहौल है। कोटाबाग मंडल महामंत्री जगदीश गुरव और सुमित चौहान मंडल मंत्री भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शाम को वापस घर को लौट रहे थे। वापसी के दौरान दोनों नेताओं की कार व मोटरसाइकिल चालक की रोडवेज से भिड़ंत होने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। दोनों भाजपा नेता अपने घर के निकट ही पहुंचने पर तेज रफ्तार उत्तराखंड परिवहन की बस ने इनको उस तरह से टक्कर मार दी। समय करीब 16:40 बजे एक रोडवेज की बस हल्द्वानी से रामनगर की तरफ जा रही थी तथा रामनगर से दो कार और एक मोटरसाइकिल हल्द्वानी की तरफ को आ रहे थे। 16:40 बजे करीब कमोला के पास ये आपस में भिड़ गए, जिसमें मौके पर ही दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और जिनका पंचायतनामा भरने के पश्चात उनका पोस्टमार्टम किया जा चुका है और शेष तीन करीब अन्य घायल थे जिनका उपचाराधीन है और उसमें से कुछ लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलियर में कैंडल मार्च निकालकर मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिरान कलियर में पूर्व युवजन सभा के जिलाध्यक्ष मौसम अली के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मौसम अली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शनिवार को भगदड़ मचने के कारण जो मौतें हुई थी और उसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे थे, जिनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आज हमारे लिए नए साल की खुशी है तो इस नए साल में हमें एक गम भी मिला है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहाँ पर अभी एक दिन पहले एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। हमारे श्रद्धालु हिंदू भाई जो वहाँ बड़ी आस्था के साथ गए हुए थे, पता नहीं किस कारण वहाँ पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो है 13 लोगों की जान चली गई। तो उसके उपलक्ष्य में हमने समाजवादी पार्टी के सौजन्य से अपने गांव पिरान के लिए शरीफ, जो वर्ल्ड फेमस गाँव है और जहाँ पर साबिर बाबा की वर्ल्ड फेमस दरगाह है, वहाँ पर हमने कैंडल मार्च किया है इस उपलक्ष्य में कि हमारे जो हिंदू भाई जिनकी जान उस हादसे में गई है हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने ऊपर वाले से दुआ की है कि जिन लोगों की उस हादसे में जान गई है भगवान। वही जनपद चमोली के देवाल विकास खंड के बेराधार गांव में सुबह गांव के महिपत सिंह पुत्र शेर सिंह की गौशाला में आग लगने से उनके 50 से करीब बकरियां उसकी चपेट में आ गई और आग से जल गई। जानकारी के अनुसार 76 वर्षीय बुजुर्ग सुबह उठकर अपने गौशाला में जो बकरियां मौजूद थी उनके लिए उसने ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी और फिर वो वहीं पर सो गया था। वहीं कुछ देर बाद गौशाला में रखे लकड़ियों और अन्य सामान में आग लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। 5:05 बजे के हेरफेर विकासखंड देवाल के ग्राम सभा बेराधार में अचानक आग लगने से एक गौशाला पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, जिसमें कि कम से कम 45 से 50 बकरियां इस आग में राख बन चुकी हैं और यहां पे सुबह से कम 6 बजे के हेरफेर से समस्त ग्रामवासी आग बुझाने में लगे हैं, अभी तक आग में काबू नहीं पा पाए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस
सरोकार।